अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में हिस्सा पन तेलंगाना में स्कूल्स एंड कॉलेजेस रीओपनिंग के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आई। चांसेस है कि जुलाई 1 से आपके स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, उसके बारे में भी अपन डिटेल में देखेंगे। एंड देन तेलंगाना का इंटरमीडिएट रिजल्ट के रिगार्डिंग भी लेटेस्ट अपडेट आई, जो कि इसके अंदर अपन रिजल्ट की अपडेट तो कल आई मगर आज वीडियो बना रहा हूँ। आज रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट की टाइमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू चेक रिजल्ट भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये ज़रूर लास्ट तक देखिए। एंड देन जेएनटीयू एच के रिगार्डिंग कल है, सो फर्स्ट ईयर 1-1, 2-1 का रेगुलर सप्ली का टाइम टेबल आया, उसके बारे में भी अपन डिटेल में देखेंगे। एंड देन JNTUH के रिगार्डिंग कई सारे सब्सक्राइबर बार बार कमेंट करके पूछ रहे कि मतलब वो लोगों को डाउट है कि एग्ज़ाम मोड कैसा रहेगा, ड्यूरेशन कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, सेंटर्स वो लोग देंगे या सेल्फ सेंटर रहेगा या हॉल टिकट कैसा रहेगा, उसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी समझ जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हजरात हैं, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोगों को भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिल सके। रही बात तेलंगाना में स्कूल्स एंड कॉलेजेस रीओपनिंग के रिगार्डिंग, रोज़ रोज़ अपडेट आ रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट ये डिसाइड करी कि आप लोगों को जो है सो स्कूल्स एंड कॉलेजेस जुलाई 1 से खोलेंगे बोल के, मगर मेन हेडिंग में ये बोल रहा है कि वे टू न्यूज़ में अपडेट आई है कि जेन्यून अपडेट है। इसके अंदर ये बोल रहा है कि तेलंगाना में जुलाई 1 से स्कूल्स और कॉलेज खोलना मुश्किल है बोल के। क्यों बोले तो तेलंगाना गवर्नमेंट क्या करी, डिसाइड करी खोलेंगे बोल के, और हाईकोर्ट के सामने ये बोली कि स्टूडेंट्स के ऊपर है, वो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा पढ़ना चाह रहे वैसा पढ़ सकते हो बोल के बोली। तो हाईकोर्ट क्या करी थी, उनके ऊपर क्वेश्चन राइज करी, आप कुछ भी हुआ तो बच्चों के हेल्थ फैक्टर ले सकते क्या बोल के। तो जब क्या करी बोले तो 3 दिन में नो आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे, कैसा स्टूडेंट्स की सेफ्टी का ले रहे बोल के बोले थे। तब तेलंगाना गवर्नमेंट ही इतनी जल्दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलने जा रही, कल क्या हुआ बोले तो सुप्रीम कोर्ट में एपी के 10th और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स कैंसिलेशन की बात चल रही थी ना, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाले क्या करे, क्वेश्चंस राइज करे एपी पे, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं बच्चों के चार्ट के रिगार्डिंग, कुछ भी बच्चे को हुआ तो आप गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आती है बोल के। तो मैक्स चांसेस क्या है बोलो तो खाली तेलंगाना स्टेट ही जल्दी कर रहा स्कूल्स एंड कॉलेज खोलने में, दूसरा स्टेट्स अभी उसके बारे में सोचे भी नहीं। तो न्यू टाइम मतलब न्यू एकेडमिक कैलेंडर और न्यू गाइडलाइंस जल्द से जल्द रिलीज़ होंगे। हाई कोर्ट तेलंगाना गवर्नमेंट को ये बोली कि ये टाइम में स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलना सही नहीं है, और बड़े बड़े डॉक्टर्स एंड देन बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग बीच में आके भी ये बोले कि ये टाइम स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोलना बहुत ही मुश्किल है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बताइए, मतलब जुलाई 1 से खुलना चाहिए या अगस्त 1 से खुलना चाहिए, कमेंट करके बताइए, देखेंगे। और आप भी दूसरों के कमेंट्स देखिए, आपको भी आगे वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मालूम होगा। तो ये थी आज की मतलब स्कूल्स एंड कॉलेजेस रीओपनिंग की अपडेट। अब रही बात इंटर सेकेंड ईयर रिजल्ट्स जो कि आज आने वाला है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तेलंगाना इंटर सेकेंड ईयर रिजल्ट्स जो कि आज आने वाला है, टाइमिंग है सो 11 से 3 बजे या फिर 2 बजे के बाद आपको ज़रूर आएगा रिजल्ट। तो अराउंड यहाँ पे ये बता रहा कि अपडेट में 4,73,967 स्टूडेंट्स है सो एग्ज़ामिनेशन फी पे करे लोगों को सबको पास किया जाएगा, और इसमें से 1,99,019 फर्स्ट ईयर के बैकलॉग स्टूडेंट्स थे। मतलब इसके अंदर क्या है, इतने बच्चों में से अराउंड 2 लाख के करीब है सो बैकलॉग्स के स्टूडेंट्स थे, इन लोगों को भी क्या है 35% मार्क्स से पास कर दिया। तो इसके अंदर कई सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि, और कई सारे बच्चे कमेंट भी करते सर मैं फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फ़ी पे नहीं करा, क्या हम ये को भी पास कर देंगे क्या बोले। तो ये नहीं, जो बच्चे फीस पे करें उन लोगों को ही पास करेंगे, जो बच्चे फ़ी पे नहीं करें उन लोगों को पास नहीं करेंगे। अब रही बात हाउ टू चेक रिजल्ट के बारे में, आपको क्या है बोले तो ये इसके अंदर नीचे दिख रहा दो TSBI मतलब TSBI CGG.gov है ना, वो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, TSBI सर्च करिए क्रोम ब्राउज़र में। तो फिर जब आप ओपन करेंगे सर्च करके तो आपको फर्स्ट पोर्टल दिख रहा है तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट बोल के, उसके ऊपर क्लिक करिए। फिर देन उसके बाद में क्या करिए, क्लिक करे बाद से आपको जो है सो वो आता
मतलब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बोल के आपको पूरे चार बॉक्सेस खुले, उसमें से उधर रिजल्ट बताया तो उधर से क्लिक कर लीजिए, अगर वहाँ रिजल्ट नहीं बताया तो आप वेबसाइट पे क्लिक करिए। ओके, जब वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप क्या करो, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, मतलब नीचे करो, यू विल फाइंड रिजल्ट। ओके, आप देन क्या करो, रिजल्ट के ऊपर क्लिक करो तो आप है ना ये चीज़ें दे, जब क्लिक करेंगे तो आपको जो है सो कई सारे चीज़ें दिखने में आएंगे। तो उसमें से आप क्या करो, आपको सेकेंड ईयर रिजल्ट देखना है ना, उसके ऊपर क्लिक करो। अब फिल वक्त मैं भी क्लिक करा तो वहाँ पे क्या बता रहा, वी आर अनएबल टू प्रोसेस योर करेंट रिक्वेस्ट बोल के। तो मतलब क्लिक हियर टू लॉग इन, मतलब अब जब रिजल्ट रिलीज होगा आप वहाँ पे जाके आप सर्च अप करके आपका रिजल्ट सर्च कर ले सकते। एंड देन रही बात JNTUH के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट, 1-1 का टाइम टेबल, 1-2 का टाइम टेबल रिलीज़ हुआ, और मतलब स्टूडेंट्स का और जो ओल्ड रेगुलेशंस के है R13 R09 का, उन लोगों को सेम्स नहीं रहते थे, उन लोगों को डायरेक्ट 1 ईयर रहता था, उन लोगों का भी सप्ली का टाइम टेबल रिलीज़ हुआ। तो अब क्या है, JNTUH ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, अपने अपने पर्टिकुलर ब्रांचेस के रिगार्डिंग आप देखिए, टाइमिंग्स भी देख लीजिए। अब रही बात कई सारे JNTUH के बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा कि सर एग्ज़ाम पे मोड क्या है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या है, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा आएगा, हॉल टिकट्स कैसा रहेंगे, सेंटर्स कैसा रहेंगे, तो अपन इसके बारे में डिटेल में देखेंगे ये वीडियो में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम 4-1 के पोस्टपोन्ड हुए थे मार्च में, तो उस लोगों को जुलाई 1 से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे बोल के। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन मोड है, सो आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ऑफलाइन मोड है। क्यों बोले तो बीच में भी ये लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे थे, सोचे थे बहुत कुछ करेंगे बोल के मगर नहीं कर सके, तो आप लोगों को ऑफलाइन एग्ज़ाम रहेगा। एंड देन एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है सो आपका फर्स्ट ईयर का भी, फाइनल ईयर का भी, पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम का भी 3 आवर्स है। ओके, तो अब यहाँ पे पोस्टपोन्ड हो सो एग्ज़ाम्स, तो आपको COVID-19 पेपर पैटर्न में लिए तो रिमेनिंग एग्ज़ाम भी वैसे ही लेंगे, मतलब वो अलग तो नहीं लेंगे। तो आप लोगों को इससे ये चीज़ मालूम हो गया कि आपको COVID-19 पैटर्न है, जैसा कि उसके अंदर आपको पार्ट ए पार्ट भी कुछ भी नहीं रहेगा, आपको 8 क्वेश्चंस देंगा, उसमें से आपको 5 लिखना रहेगा। इज़ इट क्लियर? तो अब रही बात फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स की, सेंटर लिस्ट है सो कॉलेजों को भेज दिए। क्यों बोले तो बच्चों ऑलरेडी सेल्फ सेंटर वो ही अप्लाई करे, तो वो लिस्ट जाएंगी कॉलेजेस में, तो कॉलेजेस से आपको मालूम होगा कि आपके सेंटर्स कहाँ हैं बोल के। एंड देन रही बात हॉल टिकट, अब ये फिल वक्त इतने कम टाइम में देना मुश्किल है, तो आप लोगों को सेंटर्स के बाहर ही आपके हॉल टिकट मिलेंगे, या फिर आपके कॉलेज वाले 1-2 दिन पहले आपको दे देंगे। अब देन रही बात पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम हुए मार्च के, उसके सेंटर्स कहाँ रहेंगे बोले तो आप जो प्रीवियस जाके एग्ज़ाम्स लिखे वही सेंटर्स में आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे। एंड देन रही बात 4-2 जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के रिजल्ट है वो आपको अपडेट आएंगी। क्यों बोले तो कई सारे बच्चे उसके अंदर चेंजेस करे नियर बाई सेंटर हुए, तो आपको कॉलेजेस से आपके मालूम होगा। तो अब की बार आपको क्या है, 2 डिफरेंट सेंटर्स में एग्ज़ाम्स लिखना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी दिखे कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छी दिखी तो लाइक करिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो लोगों को भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिल सके। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।